उमरिया जिला अस्पताल में हुए करोड़ों के घोटाले में 1 करोड़ का घोटाला सामने आने पर CMHO ने कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उमरिया जिला अस्पताल के CS कार्यालय में 1 जनवरी वर्ष 2012 से लेकर 1 जनवरी वर्ष 2017 तक 98,98,528 रुपए का गबन कंप्यूटर ऑपरेटर तुलसी राम झरिया तत्कालीन प्रभारी अकाउंटेंट द्वारा किया गया, जिसमें विभागीय जांच के बाद सिद्ध पाए जाने पर FIR कराई गई। इस बारे में जब आवेदक CMHO डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव से पूछा गया तो उनने सारे मामले से अनजान बनते हुए बताया कि हमको भोपाल से निर्देशित किया गया कि FIR करा दो, तो हमने करा दिया। आप स्पष्ट करें तुलसी राम झारिया के बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत FIR नहीं है, ये मेरे यहाँ के प्रदर्शकर्ता के पूर्व, शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है कार्यालय में पदस्थ थे और उस टाइम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के एडिशनल चार्ज में भी थे। उस टाइम पे जो भी हुआ हो घटनाक्रम मुझे नहीं मालूम, मेरे पास भोपाल NHF के पत्र आया और इस पत्र में मुझे निर्देशित किया गया कि आर्थिक अनियमितता हुई है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ थाने में FIR करके सूचित करें। तो मैंने अपने पदीय नैतिक दायित्वों का पालन करते हुए अधिकारियों के आदेशों का पालन करते हुए FIR करवाया। अब ये तो मुझे याद नहीं है, जो भी मुझे लिख के आया था तो लिख के मैंने थाने में दे दिया। जब विवेचना होगी, क्योंकि ये मचर पुलिस हैंड ओवर हो चुका है तो मैं ज़्यादा उसमें कहना उचित भी नहीं होगा। अब पुलिस के द्वारा विवेचना होगी उसमें क्या क्या तथ्य निकल के आते हैं। इस मामले में जब SDOP के पांड्या से बात की तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत से आर्थिक अनियमितता के मामले लंबित हैं, जिसमें से एक मामला NRHM का है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा एवं राज्य वित्त शाखा में लगभग 1 करोड़ का गबन पाया गया, जिसमें तत्कालीन CMHO डॉक्टर MP तिवारी थे। उनका डाटा एंट्री ऑपरेटर तुलसी राम झरिया, जो तत्कालीन लेखा प्रभारी था, ने CMHO के कूट रचित हस्ताक्षर करके गबन किया। उस पर अब जांच का मामला है। गौरतलब है कि अकेले ही प्रभारी अकाउंटेंट द्वारा सारा गबन करना संभव नहीं लग रहा है। हालांकि पुलिस अब हर पहलू से जांच करेगी, तब सच्चाई सामने आएगी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी चीज़ों को लेके बजट आवंटन होता है, आप लोग समझते हैं इस बात को। बहुत सारी जो, जैसे अभी हमने पिछले वाली चर्चा की थी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को लेकर कुछ गबन के मामला सामने आए। इसी तरीके से कई सारे मामले जांच के अधीन हैं, उनमें से एक जांच क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवा एवं राज्य स्तरीय वित्त शाखा ने सामूहिक रूप से भोपाल से की है। उस समय डॉक्टर MP तिवारी थे CMHO, उनका डाटा एंट्री ऑपरेटर था, तो उस समय प्रभारी लेखापाल था NHM का, नेशनल हेल्थ मिशन का, तुलसीराम झारिया। उसके समय CMHO साहब के, MP तिवारी साहब के कूट रचित हस्ताक्षर युक्त करने से तकरीबन 1 करोड़ रुपए का गबन हुआ, जिसमें ये दोनों बड़ी एजेंसियों ने जांच करके ये सिद्ध पाया और फिर वो पुलिस अधीक्षक उमरिया के नाम पर पत्र आया FIR करने के लिए। तो अभी वर्तमान CMHO साहब जो हैं, उनने सर, क्या लगता है कि एक आदमी अकेले इतना बड़ा गबन कर सकता है या उसमें कोई अधिकारी शामिल हो? नहीं देखिए, ऐसा अभी कहना तो बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन अब मैं बिल्कुल, आपका प्रश्न सही है। मुझे लगता है कि अब ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि उसमें, क्योंकि संशय क्या है, संशय ये है कि बहुत बड़ा है और एक एंट्री ऑपरेटर इतना कैसे मैनेज करेगा, ये जाहिर सी बात है कि अपने आप में संदेह है। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट।